गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज हमारा नया लेसन चलेगा जिसका नाम है द ग्रेट इन्वेंटर। ये थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में शायद। और जो थॉमस अल्वा एडिसन थे वो काफ़ी मतलब नॉर्मल नहीं थे। वो उनका माइंड नॉर्मल नहीं मतलब एबनॉर्मल कह सकते उनको, जैसे नॉर्मली सोच नहीं पाते थे। लेकिन वो इंसान है जिसने बल्ब की खोज की, मतलब जो ये ना लाइट बल्ब हमारा लट्टू जिसको कहते हैं, उसकी खोज की। ठीक है, तो ये तो सिर्फ इकलौती चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर तुम लोग इनके बारे में पढ़ोगे तो तुम लोगों को और भी पता चलेगा कि इन्होंने और भी चीज़ें बनाई है। अब एक मेंटली एबनॉर्मल बच्चा कैसे ये सब कर पाता है, ये क्या था उनका जीवन का, थोड़ी सी बात यहाँ पर बताई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट इन्वेंटर, महान आविष्कारक, इस लेसन का नाम है। स्टार्ट करते हैं। ऑल चिल्ड्रन आर जनरली क्यूरियस टू फाइंड आउट मोर। सारे बच्चे जिज्ञासु होते हैं कि उनको और ज़्यादा पता चले। लिखा ना इसमें अधिक जानने की इच्छा हो, उत्सुक रहते हैं। क्यूरियस मतलब उत्सुकता। ठीक है, बट देयर वॉज वंस अ बॉय नेम थॉमस हु वॉज मच मोर क्यूरियस देन द एवरेज चाइल्ड। लेकिन एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था थॉमस, हु वॉज मच मोर क्यूरियस देन द एवरेज चाइल्ड, लेकिन जो एक आम बच्चे से ज़्यादा जानने का इच्छुक था। ही यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस ऑल द टाइम। वो हमेशा सवाल किया करता था। हाउएवर हिज मदर नैन्सी डिड नॉट माइंड दिस। देखो फिर भी उसकी माँ जो थी इस चीज़ का बुरा नहीं मानती थी। डिड नॉट माइंड दिस मतलब बुरा नहीं मानती थी इस चीज़ का, वो जो हमेशा सवाल पूछते रहते थे उस चीज़ का। शी एनकरेज्ड हिम टू लर्न बाय आस्किंग क्वेश्चंस। वो उनको प्रोत्साहित करती थी हमेशा, वो बढ़ावा देती थी उनको कि वो और ज़्यादा सवाल पूछे। देखो सवाल पूछने का अच्छी चीज़ है, सवाल पूछने का मतलब है कि अगला इंसान सीख रहा है कुछ। ठीक है, तुम भी सवाल किया करो, ये अच्छी बात है सवाल पूछना। Until Thomas was 7, his parents lived in Milan, Ohio, in the USA, where his father was the owner of a mill. Until Thomas was 7, जब तक थॉमस 7 साल का था, जो उसकी माता पिता थे, उसके पेरेंट्स थे, मिलान में रहते थे। मिलान एक वो है, स्टेट है शायद, ओहायो में एक डिस्ट्रिक्ट है मिलान, USA में जो है, USA, फिर ओहायो, फिर मिलान। ठीक है, जैसे इंडिया, फिर राजस्थान, फिर कोटा, ऐसे ही USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर ओहायो वहाँ का स्टेट, और ओहायो में एक डिस्ट्रिक्ट मिलान। ठीक है, वेयर हिज फादर वॉज द ओनर ऑफ अ मिल, जहाँ पर उसके पिताजी एक ओनर थे, किसके, मिल के मालिक थे। मिल यहाँ पे लिखा है कारखाना के मालिक थे वो। थॉमस कीनली ऑब्जर्व ऑल द एक्टिविटीज अराउंड हिम। थॉमस अपने उसके चारों तरफ जो चीज़ें हो रही है, चारों तरफ जो हर चीज़ें चल रही है, उनको बहुत बहुत ध्यान से देखता था। ऑब्जर्व करना होता है मतलब एकदम ध्यान से देखना, एक एक मूवमेंट नोट करना, उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, सी मतलब नॉर्मली देखना, लुक मतलब नॉर्मली देखना, ऑब्जर्व करना मतलब ध्यान से देखना। ठीक है, Not only did he persist in asking questions, but he also liked to try out things for himself. वो बस ये भाई उसके सवाल पूछने के लिए नहीं वो था persistent, मतलब उसी के लिए जाने था वो उसी में और भी चीज़ थी, जैसे वो नई नई चीज़ें खुद करना चाहता था। वो उसको नई नई चीज़ें खुद करना पसंद था, किसी भी छोटे बच्चे की तरह नॉर्मल सी बात है। तो सब लोगों को नई नई चीज़ें करना पसंद होता है।
One day, Thomas found a goose sitting on an egg. Once he ran to his mother and asked, "Why does a goose sit on an egg, mother?" एक दिन उसने देखा कि एक जो गूस है, गूस मतलब होता है जो बतख जैसी चिड़िया होती है, बतख जैसी होती सेम, लेकिन उसको गूस बोलते हैं, चोंच वगैरह सब सेम होता है, उसको गूस कहा जाता है। इसमें लिखा कलहंस, तुम कलहंस मत सोचना, तुम बतख समझ लेना, बतख डक को बोलता है, गूस उसी के मिलते जुलते एक चिड़िया को बोलते हैं, ठीक है। तो वो अंडे पर बैठी हुई थी और तो वो ये देखकर अपनी माँ के पास जाते हैं और पूछते हैं कि माँ, ये एक जो गूस है वो अंडे पर क्यों बैठती है, ठीक है। नैन्सी आंसर्ड, टू कीप इट्स एग्स वॉर्म सो दैट दे हैच। नैन्सी ने जवाब दिया, उसकी माँ ने जवाब दिया कि जो अंडों को गर्म रखने के लिए वो अंडों के ऊपर बैठती है ताकि वो जब बड़े हो जाएंगे, उनको वो बच्चे अंदर है उस एग्स के, तो उसको गर्म रखना है, ठीक है। तो अगर उसके ऊपर नहीं बैठेगी तो अंडे वो नहीं हो पाएगा, सर्दी वर्दी लग जाएगी उनको, तो उसके ऊपर बैठना पड़ता है वहाँ चिड़िया को अंडे के ऊपर, ताकि वो एक टाइम पर आने बाद वो अंडे टूट सके और बच्चे बाहर आ सके, ठीक है। एडवांस केम द क्वेश्चन, व्हाट डस हैच मीन। एक तुरंत ही उनके दिमाग में सवाल आया कि हैच मतलब क्या होगा, हैच मतलब सेने का क्या अर्थ है, इसमें सेना दिया हुआ है, सेना मतलब नॉर्मल टूटने का क्या अर्थ होगा। अगर अंदर से कोई अंडा टूटता है तो उसको हैच बोलते हैं, बाहर से कोई टूटता है अंडा तो उसको ब्रेक बोलते हैं, ठीक है। नैन्सी पेशेंटली एक्सप्लेन, हैचिंग टेक्स प्लेस व्हेन द गॉसलिंग्स द बेबी गीज कम आउट ऑफ द शेल्स। जैसा मैंने बताया कि जो जो ये हैचिंग है ना, जो टूटना अंडे का, वो तब होता है जब गॉसलिंग मतलब गूस के बच्चे, गीस के बच्चे जब वो बाहर आते हैं अंडे के शेल से, ठीक है। शेल मतलब उसका बाहरी बाहरी हिस्सा जो होता है ना, वाइट वाइट, उसको तोड़ कर जब बाहर आते, उसको शेल बोलते हैं, उसको तोड़ कर जब अंडे के शेल से बाहर आते हैं तो उसको बोलते हैं हैचिंग। नाउ थॉमस आस्क, डस कीपिंग द एग्स वॉर्म मेक द गॉसलिंग्स कम आउट ऑफ द एग्स। अब थॉमस पूछता है कि अंडे को गर्म रखने से क्या वो जो गॉसलिंग्स है, बेबी गीस है, वो चिड़िया है, वो बाहर आती है। दैट्स राइट, आंसर्ड हिज मदर। हाँ ये बात सही है, उसकी माँ ने जवाब दिया। आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ठीक है तुम्हारे लिए, हाँ तुम लोग इस लेसन को पढ़ सकते हो और उससे तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू।